हेलो दोस्तों, बाइनरी टू प्रयागराज में मैं तुल शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सी लैंग्वेज में आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम सी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सी के बेसिक छोटे छोटे एलिमेंट हैं, हमने उनको देखा। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अभी। अब से जो लेक्चर होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन यहीं पर होती है। और अगर बड़े टॉपिक को बात बात छोड़ दें, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वगैरह की, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लूप, उसके पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक है वो हमारा यही है। इसी को हमें पढ़ना है, इसी को हमें समझना है। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान से देखना है और समझना है। वीडियो को आप देखिए, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है कि इस पर आपको देखो परेशानी होने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, तो मैं अगले वीडियो में या फिर अगले टॉपिक में उस चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम फिर से उसी बात को कंपेयर करते हैं और अच्छे से इस बात को क्लियर करते हैं कि आखिर यह सी लैंग्वेज क्या सही में इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से। देखो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास होता क्या है, अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब ए टू जेड, ये हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। हिंदी में बात करें तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी से लेके ज्ञ तक, ये होता है। इसके बाद इन अल्फ़ाबेट की मदद से हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। इन अल्फ़ाबेट को अगर सही आर्डर में एक मीनिंगफुल तरीके से लिखा जाए तो क्या बनते हैं, इसके वर्ड बनते हैं। वर्ड मतलब शब्द बनते हैं, मतलब पहले अक्षर फिर शब्द, इन्हीं वर्ड की ग्रुपिंग की जाती है। तो कुछ ना कुछ अगर मतलब निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सेंटेंस बना। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वर्ड की मदद से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और कई ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ। मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है। तो पैराग्राफ हो गया। वैसे ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या होते हैं, बेसिक लेटर्स होते हैं। सी के बेसिक लेटर्स ऑफ सी होते हैं। और सी की मदद, उसकी बेसिक लेटर की मदद से हम क्या बनाते हैं, अपने आइडेंटिफायर बनाते हैं। आइडेंटिफायर के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, इनके मदद से इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। और इंस्ट्रक्शन के बाद क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। तो देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल आपको लगेगा कि लैंग्वेज एकदम सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज ही है, बस यहाँ पे इसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि सी के बेसिक लेटर्स क्या होते हैं। देखो, यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल ए टू जेड। देखो, कैपिटल ए टू जेड लिखने का मतलब क्या है, और स्मॉल ए टू जेड हमने अलग अलग लिखा। देखो, होता क्या है, हम करते क्या है, हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में ए इज इक्वल टू ए हो जाता है। ए इज इक्वल टू ए मतलब ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज कैसा था, ऐसा सी लैंग्वेज के साथ ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं हम ऐसा क्यों नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड ध्यान में आता है कि सी लैंग्वेज हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखो दोस्तों, ये इसका नाम ही सी है, मतलब नखरीली तो है ये लैंग्वेज। इसमें नखरे बहुत हैं, मतलब चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से दिखाया गया है, जो कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लैंग्वेज हमारी कैसी है, केस सेंसिटिव है। अभी इसके नखरे आपको आगे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ए और ए बराबर नहीं है, ए और ए बराबर नहीं। इसका कारण ये है कि ये जो होता है वो किसके टर्म में होता है, एक हमने वर्ड बताया था आपको, इसको प्रोनाउंस करने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बहुत ढेर सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, अस्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्काई बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको इस वजह से क्या बोला जाता है, अस्काई बोला जाता है। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, आस्की। क्या होता है, आस्की बोलते हैं इसको, आस्की नहीं बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना, आस्की और आस्की में थोड़ा सा डिफरेंस है। आस्की वो थोड़ी सी अलग बात हो गई और आस्की थोड़ी सी अलग बात हो गई। इसको अस्काई न बोल के हम आस्की सही प्रोनाउंस करते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर 01 फॉर्म को ही समझता था, तो अब हमें सारी के सारी चीज़ें, सारी के सारी कोडिंग हमें इस फॉर्म में करनी थी, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो हर वर्ड के लिए, हर लेटर के लिए हमने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया, उसी को क्या बोला गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
इंफॉर्मेशन को बदलने के लिए एक रूप से दूसरे रूप, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, अस्काई कोड का यूज किया। तो अस्काई कोड में देखो चीजें बदलती गई। कैपिटल ए के लिए माना गया कोड था 65, कैपिटल बी के लिए हमने कितना रखा 66, सी के लिए हमने कितना रखा 67, और इस तरीके से हमारा जेड में कितना हो जाएगा 91, जेड में कितना हो जाएगा 91, 65। देखो कितने होते हैं, 26 होते हैं कि नहीं होते हैं, 26 होंगे तो ए बी सी ये कंटिन्यूस प्रोसेस चला जाएगा जेड तक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। जबकि स्मॉल ए में स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल ए का अस्काई कोड कितना, आसी कोड कितना होता है 97, तो बी का कितना होगा 98, सी का कितना होगा 99, और फाइनली अगर हम बात करें कि हमारा स्मॉल जेड का कितना होगा 97 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 123। ये बस थोड़ा सा हमें ध्यान रख रहा हूँ, कितना हो जाएगा भाई 123 हो जाएगा। तो ये कोड हमारा चलता है 97 से 123 तक, और ये कहाँ से चलता है 65 से लेके 91 तक। अब देखो मैथ के अभी इसको क्या करते हैं, नंबर सिस्टम के मेथड से इस 65 हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 01 के फॉर्म में हो जाएगा, और जब ये 01 के फॉर्म में हो जाएगा तो इस नंबर का बाइनरी कोड अलग आएगा और इस नंबर का बाइनरी कोड क्या होगा अलग आएगा। तो दोस्तों इस वजह से हमारा जो कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है बराबर नहीं होते, इसको हमें थोड़ा सा क्लियर रखना है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए। इस वजह से सी लैंग्वेज हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव होने का फायदा क्या मिलता है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं, मतलब कहीं पे भी ए और ए को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका नाम मोहन है तो आप मोहन से किसी चीज़ को शो करा सकते हैं कैपिटल लिख के और स्मॉल लिख के, तो ये थोड़ा सा फायदा होता है हमारा केस सेंसिटिव होने का। तो हमारे बेसिक लेटर्स में हमने क्या देखा, ये अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर वाले अल्फाबेट 0 to 9 नंबर्स 0 से लेके 9 तक नंबर्स, बेसिक से हमारे 0 टू 9 होते हैं, उसके बाद हम 0 से इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन यूज करने लगते हैं। इसका कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई कि जैसे हमें 10 लिखना है तो हम 1 और 0 लिख देते हैं, लेकिन बेसिक वाले कितने होते हैं 0 टू 9 ही होते हैं। इसके बाद बात करता हूँ कुछ स्पेशल सिम्बल, स्पेशल सिम्बल क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं स्पेशल सिम्बल में हम बात करते हैं कि हमारे स्पेशल सिम्बल होते क्या क्या। हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया, कामा लगाया, पॉइंट लगाया, एरो लगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाया, तो देखो ये सारे क्या हो जाते हैं स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये हमारे क्या है, स्पेशल सिंबल है जो कि हमें अपने प्रोग्राम में क्या करना है, यूज करना है। जैसे अल्फ़ाबेट की मदद से हम वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, वैसे हम अपने आइडेंटिफायर बनाने के लिए इन चीज़ों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आगे बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर की। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे हमारा डॉलर का सिंबल, हैश का सिंबल, एट द रेट का सिंबल, ये सारे कैरेक्टर होते हैं, इस वजह से इनको हमने क्या बोला, स्पेशल कैरेक्टर बोला, ये स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हुए हमारे बेसिक लेटर्स ऑफ सी, ये सी के हमारे बेसिक लेटर्स हैं, हमें इन्हें ध्यान से देखना है कि भाई ये देखो कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, स्पेशल सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। अब इसकी बात कर लिए, अब हम आगे बात करते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई लाइन लिखी, राम गोज टू होम, हमने लिखा, क्या लिखा दोस्तों, राम गोज टू होम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें मिलेगा प्रत्येक वर्ड को पढ़ने से, लेटर पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं कि हम आर ए या हम ऐसा कुछ पढ़ें तो हमें इसका मतलब समझ में आएगा, जब इसको हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे तब हमें इसका मतलब समझ में आएगा। तो मतलब इस वर्ड की, इस सेंटेंस की जो स्मॉलेस्ट अंडरस्टैंडिंग यूनिट है वो क्या है, एक वर्ड होती है। उसी तरीके से किसी प्रोग्राम में किसी लाइन का, किसी इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, ये चीज़ें हमें कहाँ समझ में आती हैं, आइडेंटिफाई पर। इस वजह से हमने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। देखो आइडेंटिफायर को तीन तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, एक बात करते हैं कॉन्स्टेंट की, वेरिएबल की और कीवर्ड की। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको एग्जैक्ट याद आ रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब कि
स्थिरांक, कांस्टेंट मतलब कि स्थिरांक, जो हमने मैथ पढ़ा था चर और अचर। तो कांस्टेंट क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, कुछ भी सब कुछ जो कुछ भी स्थिर है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट की अपनी एक क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मैथ में क्या होता था, ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, मतलब जैसे हमने लिख दिया 3, अब ये 3 है तो हमेशा किसी भी परिस्थिति में 3 ही रहेगा, तो 3-4 नहीं हो जाएगा अपने से, जब तक इस पर कोई ना कोई कोड या फिर इंस्ट्रक्शन अप्लाई ना हो। लेकिन ये जो यक्स हमने लिखा, ये यक्स क्या है हमारा, यक्स हमारा एक वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हम रख देते हैं, लेकिन 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। बस इसी बात को हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। एक टर्म यूज होता है भाई कि डेटा इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब डेटा, इन्फॉर्मेशन, कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें क्या है, एक ही चीज़ है। बस हमें इसको थोड़ा सा समझना है। तो दोस्तों हमने क्या समझा कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज ए एंटिटी विच डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या फिर प्रोग्राम में क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, प्रोग्राम में एक स्थिर वैल्यू रखती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट अपने आप में एक फिक्स वैल्यू होती है, हमें इस बात को समझ के रखना है। अभी कांस्टेंट पे हम आगे अगर बात करें तो कांस्टेंट हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कांस्टेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी कांस्टेंट होता है और एक सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। भाई प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट, अभी इसकी भी हम आगे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं वेरिएबल की, बात करते हैं किसकी, वेरिएबल की। तो दोस्तों वेरिएबल होता क्या है, कांस्टेंट के देखा फिक्स वैल्यू, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब वेरिएबल इज एन एंटिटी डेट चेंजेबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हो सके, चेंज हो सके। अब आगे बात करते हैं हम कीवर्ड की, किसकी बात करते हैं, कीवर्ड की। देखो कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो जिसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है, जिसके बारे में हमारे कंपाइलर को, हमारे कंप्यूटर को पहले से पता होता है, इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड की संख्या नंबर कितनी होते हैं, 32 होते हैं। यह मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं दोस्तों, 32 कीवर्ड होते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है। अब इसीलिए आइडेंटिफायर की मदद से हम क्या बनाते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं भाई, इंस्ट्रक्शन भी हमने 4 टाइप से कैटेगराइज कर दिया। इंस्ट्रक्शन को हमने कितने तरीके से कैटेगराइज कर दिया, 4 तरीके से कैटेगराइज कर दिया। पहला हमने लिखा डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटा टाइप, एक वर्ड हमारे सामने आया डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप होता क्या है, अपने प्रोग्राम में कई ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमारा कैरेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। उस डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो लाइन लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसके बाद करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस डेटा को हमें कीबोर्ड की मदद से इनपुट कराना है, मतलब किस पे ऑपरेशन कराना है और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सारे ऑपरेशन किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के। देखो कंप्यूटर हमारा सारा का सारा काम मैथमेटिकल वे में करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ अगर ऑपरेशन अरिथमेटिकल ऑपरेशन कराने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। फिर बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम का फ्लो मतलब हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम वर्क करता है, वो चीज़ ऊपर फिर नीचे इस तरीके से लाइन बाय लाइन क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है टॉप से लेके बॉटम तक। लेकिन कभी क्या होता है कि हम चाहेंगे कि भाई हमारी ये वाली लाइन रन ना हो, कि हमारी ये वाली लाइन हो, या फिर ये वाली लाइन रन हो तो 5 बार हो, 6 बार हो, फिर अगली वाली लाइन पे जाएं। इसी ऐसे कंट्रोल वाले काम को, डिसीजन मेकिंग वाले काम को हम किसके थ्रू करेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे। एक तरीके से ये आपका सिलेबस भी होता है सी लैंग्वेज का, कि मतलब हमें सही एग्जैक्ट पढ़ना यही सब चीज़ें, और इन सब इंस्ट्रक्शन की मदद से हम बनाते क्या हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों क्या बनाते हैं, हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं।
तो हमने क्या देखा, बेसिक लेटर्स ऑफ सी, आइडेंटिफायर, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं, बात करेंगे अपने कांस्टेंट की। इसकी बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे। तो कांस्टेंट की दोस्तों आगे बात करते हैं हम। कांस्टेंट जो हमारे होते हैं वो दो तरीके, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। देखो प्राइमरी कांस्टेंट में तीन ही टाइप के कांस्टेंट हम पढ़ते हैं। वो पहला है इंटीजर, फ्लोट आर रियल कांस्टेंट। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कैरेक्टर कांस्टेंट। पहले हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? इंटीजर पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब ऐसा अंक जो पूरा हो। इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसी वैल्यू जो कि अपने आप में पूरी है। कहने का मतलब जैसे हमने लिखा 3 हमारा क्या है? एक इंटीजर। -3 हमारा एक इंटीजर है। -3.2 क्या ये इंटीजर है दोस्तों? ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में कोई पूरा अंक नहीं है। इंटीजर का मतलब ही होता है पूरा अंक। तो इंटीजर हमारा मस्ट भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं हमारा इंटीजर कांस्टेंट। मतलब हम जो डेटा लिखने वाले हैं इंटीजर, वो हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्लोट में या फिर रियल में नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फ्लोट या रियल। फ्लोट या रियल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, लेकिन मस्ट भी पॉइंट में होने चाहिए। मस्ट भी किस में होने चाहिए? पॉइंट में होने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोट या फिर रियल कांस्टेंट। मतलब हमने लिखा 3.2, -5.6, ये हमारे कैसे कांस्टेंट हो गए? फ्लोट टाइप के कांस्टेंट हो गए। अब बात करते हैं करेक्टर कांस्टेंट की। बात करते हैं किसकी? करेक्टर कांस्टेंट की। करेक्टर कांस्टेंट हमारे वो कांस्टेंट होते हैं जो कि सिंगल, जो कि क्या हो? जो कि सिंगल कोट में लिखे हुए हो। कुछ भी, कोई भी डेट, कोई भी स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल करेक्टर, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट अगर सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है और अकेला है तो क्या होगा? करेक्टर कांस्टेंट होता है। दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन इसी करेक्टर कांस्टेंट से या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर ट्रू एंड फॉल्स से पूछा जाता है कि कौन सा वैलिड करेक्टर कांस्टेंट है। देखो करेक्टर कांस्टेंट हमारा जैसे हमने लिखा ए, ये हमारा करेक्टर कांस्टेंट नहीं है। अगर हमने लिख दिया ये, तो ये हमारा करेक्टर कांस्टेंट है। देखो ये क्या है? सिंगल कोट में है, अकेला है। हमने लिख दिया बी, ये भी हमारा करेक्टर कांस्टेंट है। हमने लिख दिया जेड, ये भी हमारा करेक्टर कांस्टेंट है। हमने लिख दिया 2, अब ये 2 हमारा तो इंटीजर हो गया। अब ये हमारा 2 क्या है? इंटीजर है। तो ये हमारा क्या? अब हमने इसके साथ सिंगल कोट लगा दिया, सिंगल कोट लगाया हमने, तब ये क्या हो गया? करेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। अगर हमने लिखा -2, तो अब ये क्या करेक्टर कांस्टेंट है? दोस्तों करेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि करेक्टर कांस्टेंट क्या कहता है कि मैं सिंगल कोट में रहूँगा और अकेला रहूँगा। मैं सिंगल कोट में रहूँगा लेकिन क्या रहूँगा? अकेला रहूँगा। तो इस बात को मैं थोड़ा समझ रहा, यहाँ पे माइनस सिंबल भी इसके साथ में लगा हुआ है, इस वजह से ये करेक्टर कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2.0, क्या ये करेक्टर कांस्टेंट है? दोस्तों ये करेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉइंट भी सिंबल लगा हुआ। अगर मैं बोलूँ क्या ये करेक्टर कांस्टेंट है, हाँ मे भी ये करेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ क्या ये हमारा इंटीजर है, हाँ ये हमारा इंटीजर हो सकता है। अगर मैं बोलूँ ये हमारा इंटीजर है, तो हाँ ये हमारा इंटीजर हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि क्या ये हमारा फ्लोट हो सकता है, हाँ ये हमारा फ्लोट हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्या ये हमारा एक फ्लोट, कोई एक फ्लोट है? देखो ये हमारे दो अलग अलग फ्लोट हैं, कोई एक फ्लोट नहीं है।
क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू 20.3 ये अपने आप में एक वैल्यू है और 15.3 अपने आप में एक वैल्यू है. 20 हमारा अपने आप में एक वैल्यू है और 3 भी हमारी अपने आप में एक अलग वैल्यू है. तो इन दोनों को हम साथ में नहीं लिख सकते इंटीजर कांस्टेंट पे. इंटीजर में हमें इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर कांस्टेंट. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट की. सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट जो प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से बनाए जाते हैं. ऐसे कांस्टेंट जो प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कांस्टेंट बोलते हैं. सेकेंडरी कांस्टेंट में कई ढेर सारी चीज़ें हैं. पहला नाम आता है एरे का. इसको दोस्तों प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एरे. क्या बोलेंगे? एरे. एरे के बाद फिर बात करते हैं हम किसकी? स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग के बाद हम बात करते हैं पॉइंटर की. पॉइंटर के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं यूनियन की. और यूनियन के बाद हम बात करते हैं इनमरेटर की. इनमरेटर है दोस्तों ये इनमरेटर. कुछ लोग इसमें यहाँ में फंक्शन भी जोड़ देते हैं. बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन हमारा कोई किसी तरीके का कांस्टेंट नहीं है. फंक्शन हमारा किसी भी तरीके का कांस्टेंट नहीं है. मतलब फंक्शन एक प्रोग्रामिंग का अप्रोच है. फंक्शन क्या है? एक प्रोग्रामिंग की अप्रोच है. आगे आप जब C++ से फिर जावा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि फंक्शन क्या है. मॉडलाइजिंग प्रोग्रामिंग का अप्रोच होता है. इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा इस फंक्शन चैप्टर में. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी कांस्टेंट में अरे. अरे क्या होता है कि भाई ग्रुप ऑफ सिमिलर कांस्टेंट, मतलब सिमिलर डेटा टाइप का, ये क्या होता है? ग्रुप होता है. स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक वर्ड लिखा है, मैं लिखूं RAM राम, क्या ये कैरेक्टर है या कैरेक्टर नहीं है? अगर मैं बात करूं तब ये क्या है? तब ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया. इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं. ये हमारा स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा. पॉइंटर भी वैसे ही एक डेटा है, कांस्टेंट है. स्ट्रक्चर भी हमारा एक कांस्टेंट है. यूनियन भी हमारा एक कांस्टेंट है. इनमरेटर भी कांस्टेंट है. दोस्तों इस पर हम पूरा का पूरा डिटेल से बात करेंगे. ये हमारे बुक में या फिर हमारे एग्जाम में एक डिटेल का टॉपिक है जिसको हम धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे. बसरते हमारा यहाँ पे मोटिव क्या था? हमें पढ़ना था यहाँ पे प्राइमरी कांस्टेंट को. प्राइमरी कांस्टेंट मतलब एक तरीके का हमारा डेटा, किस तरीके का डेटा का हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में. तो हमने देखा कि हम इंटीजर टाइप के डेटा का यूज़ करते हैं, फ्लोट टाइप के डेटा का यूज़ करते हैं, करेक्टर टाइप के डेटा का यूज़ करते हैं. थ्री टाइप के डेटा का क्या करते हैं? हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो फिक्स होते हैं. जो सेकेंडरी की बात करते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं इन्हीं कांस्टेंट की मदद से मिलके बनाए जाते हैं. इसमें हमारा अरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनमरेटर की बात करते हैं. अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं डेटा टाइप की. अब हम दोस्तों बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल की. इसकी बात करेंगे हम, वेरिएबल की बात करेंगे. वेरिएबल क्या होता है? और एक दूसरा टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल नेम की. देखो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मतलब ऐसी वैल्यू जो कि एग्जीक्यूशन आप प्रोग्राम के टाइम पे क्या हो सके? चेंज हो सके. और वेरिएबल नेम क्या होता है? किसी भी मेमोरी ब्लॉक का दिया गया नाम, किसी भी मेमोरी ब्लॉक का दिया गया नाम ही हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल नेम कहलाता है. बस इन दोनों पॉइंट को हमें थोड़ा सा क्लियर रखना है. मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है यहीं पे. यहाँ पे छोटी छोटी बातें उनको समझ में नहीं आती है. देखो वेरिएबल मतलब क्या? अगर हमने लिखा 3 और हमने एक लिखा यक्स, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल. तो ये तो हो गई भाई बात वेरिएबल की. अब हम बात करते हैं वेरिएबल नेम की. जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एक्सप्रेशन है यक्स प्लस वाई. हमने क्या लिखा? यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. इसमें देखो होल स्क्वायर अगर हटा भी दे तो हमें समझना है कि हम क्या लिख रहे हैं. यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई पे यक्स की वैल्यू भी कुछ हो सकती है और वाई की भी वैल्यू कुछ हो सकती है, और दोनों का जोड़ने पर रिजल्ट इसका कुछ भी आ सकता है. अगर मैं लिखूं
थ्री प्लस टू, अब मैं क्या लिखूँ, थ्री प्लस टू, अब इसको आप जोड़ेंगे तो भी फाइव आएगा, मैं जोड़ूंगा तो भी फाइव आएगा, बात समझ रहे कि नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है, फिक्स होता है। यही डिफरेंस होता है कांस्टेंट और वेरिएबल में। अब यहाँ पे जब वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं तो वेरिएबल में क्या हुआ कि इसका डेटा क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इसका कुछ भी डेटा हो सकता है। अब बात करते हैं अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच पे। अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम बनाते हैं वेरिएबल नेम। क्या बनाते हैं, वेरिएबल नेम, मतलब हमें किसी भी डेटा को रखना है, हमें किसी भी डेटा को रखना है तो उस डेटा के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है। अब दोस्तों जगह क्यों बनानी पड़ती है, देखो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारा प्रोग्राम कहाँ पे बनता है, रैम पे वर्क होता है, ये भी हमें पता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम पे हमें क्या मिलती है, मेमोरी मिलती है। ये मेमोरी हमारी क्या होती है, इस मेमोरी पे जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो इस मेमोरी का जो इस मेमोरी में हमें डेटा को रखना होता है, तो इस डेटा को रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, जगह बनाना पड़ता है। और हमारे प्रोग्राम में केवल दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा डेटा और दूसरा हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। एक हमारा डेटा होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। तो डेटा मतलब कुछ भी जिसका भी हम यूज़ करने वाले हैं, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस डेटा पे किया गया काम, इस डेटा से जो हम काम कराना चाहते हैं उस काम को कराने के लिए जो कुछ भी हम कोडिंग लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पे, तो अब इस डेटा पे अगर हमें जो कुछ भी काम कराना है वो किसी कैटेगरी में आएगा, इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन कराना है तो हमें डेटा चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन कराना है तो हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो इस डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे प्रोग्राम को क्या मिलती है, मेमोरी बराबर मिलती है। भाई आधे मान लेते हैं हमें मिला 10 KB की मेमोरी, हमें 10 KB की मेमोरी मिल रही है सपोज मान लेते हैं, तो भाई 5 KB के लिए हमें मिला डेटा रखने के लिए और 5 KB की जगह मिली हमें इंस्ट्रक्शन रखने के लिए। अब भाई किसी दो लोगों को, कोई मान लेते हैं कोई दो लोग हैं, कोई कम खा रहा है कोई ज़्यादा खा रहा है, अब दोनों लोगों का बराबर का भाई कोई दोनों बराबर बराबर खाना दे देते हैं, बराबर बराबर जब आप उसको फूड दे देते हैं तो एक तो क्या करेगा, छोड़ देगा और दूसरे का पेट खाली रह जाएगा, और ये तो क्या है, गलत बात है। भाई ऐसा करें अगर इन दोनों का हम सही से तालमेल बैठा दें, दोनों को एक इक्वल पार्ट में रखें, जिसको जितनी ज़रूरत है वो ले ले, उसको जितनी ज़रूरत है वो ले ले, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ नहीं होता, बस हम इतनी सी बात डिक्लेयर करते हैं कि हमें जिस डेटा का यूज करना है, हमें जिस भी डेटा का यूज करना है उस डेटा को हम पहले से डिक्लेयर कर लें, उस डेटा को डिक्लेयर कर लें। जब उस हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम, और वेरिएबल का डेटा टाइप। क्या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नेम और वेरिएबल का डेटा टाइप। तो वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर सिंबल। वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल। बस हमें यहाँ पे बस थोड़ी सी बात का ध्यान में रखना है, अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट इन अ डिजिट। मतलब जो वेरिएबल नेम होगा वो सिंपल सा कोई नाम होगा, किसी भी मेमोरी ब्लॉक का ब्लॉक को दिया गया नाम ही क्या कहलाता है, वेरिएबल नेम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं अपने किसी प्रोग्राम में हमें 3 रखना है, हमें अपने किसी प्रोग्राम में क्या करना है, 3 रखना है, इस 3 के लिए हमें जगह बजानी पड़ेगी, इस जगह का नाम हमने लिख दिया यक्स। अब देखो यक्स जो है, यक्स रियल में कुछ नहीं है, यक्स एक मान लेते हैं हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी की जगह का दिया गया एक नाम है सिर्फ, इस मेमोरी ब्लॉक का दिया गया सिर्फ एक नाम है यक्स, इसके अंदर क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, कि मतलब अगर हमने लिखा यक्स साइन इंटू 3, मतलब यक्स और 3 बराबर, यहाँ पे इस बात को मैं जब हम पढ़ेंगे अपने ऑपरेटर्स तो वहाँ पे इस बात को और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि जो यक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, यक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो ये यक्स क्या है, वेरिएबल नेम है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। अब ये वेरिएबल नेम होते क्या हैं, बस इस बात को हमें समझना है, इस वेरिएबल नेम को हम लिखेंगे कैसे, हमें इस बात को समझना है। अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, अ वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल। मतलब अगर मैं लिखूं यक्स तो ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है, अगर मैं लिखूं यक्स 3 ये भी वेरिएबल नेम है, लेकिन अगर मैं लिखूं 3 यक्स
तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल नेम कभी स्टार्ट नहीं हो सकते किसी नंबर से। वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर सिंबल भी यूज हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल तो यूज हुआ है, लेकिन हमने इसकी एक प्रायोरिटी को क्या कर दिया है, यूज कर दिया कि ये हमने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर दिया और ये अल्फ़ाबेट सॉरी नंबर से स्टार्ट कर दिया और ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अपने प्रोग्राम में जितने भी डेटा बनाएंगे, जितने भी वेरिएबल लेंगे, जितने भी वेरिएबल का हमें यूज करना है, उसको हम जब लिखने के लिए हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और वेरिएबल कभी भी, वेरिएबल हमारा जो है कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डिजिट मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। करेक्टर होना चाहिए उस पर हमें बस इस बातों का ध्यान में रखना होगा। क्या क्या यूज होता है भाई इसमें? अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल मतलब ये ए और बी हमने लिखा तो ये हमने लगा दिया अंडरस्कोर। बस हमें ये ध्यान रखना है हाइफनेशन नहीं है दोस्तों। हाइफनेशन लगाता तो मैं ऐसे लगाता, ये क्या है अंडरस्कोर का सिंबल है, नीचे थोड़ा सा डाउन में लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने सीखी है वैलिड वेरिएबल नेम। तो हमने क्या देखा कि वेरिएबल नेम क्या होता है, नेम आप किसी मेमोरी ब्लॉक को दिया गया नाम, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोग्राम में। अब इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप एक काम करिए, x प्लस वाई को आप रिप्रेजेंट करिए, और x और y हर यूजर के लिए अपना अलग अलग होगा, x और वाई अपने हर यूजर के लिए अपना अलग अलग होगा। तो भाई अगर मान लेते हैं हमको 3 + 5 का एडिशन करना है, हमें खुद को 3 + 5 का एडिशन करना है, तो मैं 3 + 5 पे प्रोग्राम बना दूँ। अगर यही प्रोग्राम, यही एडिशन किसी दूसरे पर्सन को करना है, वो 5 + 7 पे चाहता है, वो किस पे चाहता है, 5 + 7 पे चाहता है, तो उसको फिर से दूसरा कोड लिखना पड़ेगा और फिर 5 + 7 कर देगा। तो देखो ऐसी बात नहीं है, अगर हम इसको x प्लस वाई पे इस प्रोग्राम को बना दें, मतलब किसी वेरिएबल को लेके इस प्रोग्राम को बना दें, तो इस यहाँ पर इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हम हर यूजर से कहेंगे कि आप अपनी वैल्यू डालो, आप क्या करिए अपनी वैल्यू को इंटर करिए। तो जिस यूजर को जिस नंबर पे अपना काम कराना होगा, वो अपना अपना नंबर क्या कर देगा, इंटर कर देगा। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा प्रोग्राम हर यूजर के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज हर अलग यूजर अपना अलग अलग काम करेगा। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा बनता है किस तरीके से, हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर पे वैसे मान लेते हमने कैलकुलेटर बना दिया, अब कैलकुलेटर क्या है, हमारे भी नंबर ऐड करता है, आपके भी नंबर ऐड करता है, दुनिया के हर किसी नंबर को ऐड करता है। जो लोग जिस तरीके से उसका यूज करते हैं वो उसी तरीके से यूज होता है। बस यही हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है वेरिएबल नेम में। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे डेटा टाइप की।